उनका दम है तो हमारा भी दम है ना, हमारे में दम नहीं है क्या? महाराष्ट्र में अगर दम है तो शिवसेना में है, शरद पवार साहब में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दम है, तो दिखेगा कौन किसका दम दिखाता है चुनाव में। लोकसभा में हमने हमारा दम दिखाया है, एक स्वभाव है उस पार्टी का, कैरेक्टर है उस पार्टी का, जिनको भी साथ लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए, काम होने के बाद उनको फेंक देते हैं और अपने दम की भाषा, शत प्रतिशत की भाषा करते हैं। तो वापस आऊंगा, अमित शाह ने कहा हम अपने दम पर बीजेपी की सरकार लेके, कौन बोल रहे हैं? फडणवीस ने कहा था एक टाइम कि मैं अपने दम पे सरकार मैं वापस आऊंगा, और बीजेपी ने भी दम पर लिखा है अमित शाह ने कि हम अपने दम पे सरकार, हाँ दम मारो दम, सीट चली 160 की है, तो बाकी जो उनके सहयोगी उनका इसमें क्या रोल? बात ऐसी है कि उनका उनकी बात है, अभी अपने दम पर लाते हैं तो उनका दम, एक सिनेमा निकालो दम मारो दम, ये लोग बहुत सिनेमा निकालते निकालते आजकल, उनका दम है तो हमारा भी दम है ना, हमारे में दम नहीं है क्या? महाराष्ट्र में अगर दम है तो शिवसेना में है, शरद पवार साहब में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दम है, तो दिखेगा कौन किसका दम दिखाता है चुनाव में। लोकसभा में हमने हमारा दम दिखाया है, अगर जब शिवसेना के साथ बीजेपी थी तब भी वो अपने दम पर सरकार लाएंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, भाषा चलती थी ना, अभी यही भाषा वापस वो करने लगे हैं, तो वो तो उनका एक स्वभाव है उस पार्टी का, कैरेक्टर है उस पार्टी का, जिनको भी साथ लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए, काम होने के बाद उनको फेंक देते हैं और अपने दम की भाषा, शत प्रतिशत की भाषा करते हैं। मराठी भाषा को सम्मान दिया गया, बड़ा सम्मान है मराठी भाषा को, क्लासिकल लैंग्वेज जिसे हम अभिजात भाषा का दर्जा बोलते हैं, मराठी और बंगाली को दिया है, असामी को दिया है, पाली भाषा को दिया है, अर्धमागवी प्राकृत भाषा को दिया है, ऐसे पांच भाषाओं का सम्मान करने वाला निर्णय का केंद्र सरकार ने किया है। सालों साल से महाराष्ट्र से ये मांग उठती रही है कि मराठी भाषा छत्रपति शिवाजी महाराज की भाषा है, संतों की भाषा है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की भाषा है, संविधान की भाषा है, महात्मा फुले की भाषा है मराठी, बालासाहेब ठाकरे जी की भाषा है, तो ये भाषा को आप सम्मान देना चाहिए अभिजात भाषा का, हमारी मांग रही। और लगभग राज्य की सभी पार्टी के नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने, सरकारों ने मांग अब तक 30-35 साल से ये मांग करते आए हैं। जब भी संसद का सत्र शुरू होता था तो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हमेशा यह मुद्दा महाराष्ट्र के सांसदों की तरफ से उठता रहा है, शिवसेना भी उसमें शामिल रही, और हम प्रधानमंत्री जी को हमेशा, या गृहमंत्री जी को, या कल्चरल मिनिस्टर को हमेशा इस बारे में हमारा डेलीगेशन मिलता रहा। तो ये अगर ये आज हुआ है तो ये सबका योगदान है, किसी एक पार्टी का या किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं है। वो तो लेगी भाई, बीजेपी तो कौन सा भी कैसा भी क्रेडिट ले सकती है, हाँ कोरोना का भी क्रेडिट लेना चाहिए ना, तो लेना उनका ही क्रेडिट है, इतने लोग मरे इस देश में, महाराष्ट्र में। देखिए बात मराठी भाषा की है, ऐसी मराठी मानुष की प्रतिष्ठा की, बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की मराठी भाषा और मराठी मानुष को सम्मान देने के लिए, ये मत भूलिए, अपने कागज पर किया है, बालासाहेब ठाकरे ने जमीन पर किया है, ये भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहले महाराष्ट्र से जो पूरे उद्योग, इंडस्ट्री, व्यापार, रोजगार बाहर जा रहा है उसको रोके, मराठी भाषा के साथ इस राज्य की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए।